तो करते हैं स्टार्ट रेल कनेक्ट ऐप को और ओके करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। अब 4 डिजिट का पिन डालना है और फिर कैप्चा डाल के इसको लॉगिन करेंगे। कैप्चा आपको देखकर इस तरीके से डालना है। लॉगिन हो गया है। अब आपको अपनी करने की स्केल डालनी है। इसमें मेरे पास मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, तो हम कंटिन्यू में ट्रांजेक्शन की तरफ, तो डन माय जर्नी पे क्लिक करेंगे। फिर आप अपना आपको जहाँ से जहाँ जाना है आपको स्टेशन डाल सकते हैं। जैसे मुझे हावड़ा से दिल्ली का टिकट देखना है तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया है। और अब डेट को सेलेक्ट करना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको ये फ्लेक्सिबल का ऑप्शन क्लिक करके सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। फिर आपके पास ट्रेन की लिस्ट आ जाएगी। इस ट्रेन की लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे आपके टाइमिंग के हिसाब से आप उस ट्रैक पे उसको बुक कर सकते हैं। तो मैं चूज करूँगा मेरे जो मुझे सही लग रहा है मेरे हिसाब से, तो मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखूँगा। दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं इसमें ये ग्रीन कलर में सीटें अवेलेबल दिखा रहा है। अगर सीट नहीं होती हैं तो उसका कलर अलग होता है, आपको अलग से दिख जाएगा सीटें हैं या नहीं हैं। तो मैं अभी देख रहा हूँ, मुझे सुबह की ट्रेन देखनी है, तो मैं इसको ऊपर की तरफ देखता हूँ और बाकी ट्रेनों को भी चेक करता हूँ कि सुबह की ट्रेन कौन सी है। आप देख सकते हैं अलग अलग ट्रेनें हैं। तो ये सुबह 8 बजे की एक ट्रेन है जिसको जिसपे स्लीपर क्लास में अवेलेबल दिखा रही है वो 161। तो मैं उस पर क्लिक करके और नीचे आप देखेंगे पैसेंजर डिटेल, तो उस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको पैसेंजर का डिटेल डालना है इसमें। तो ये ऐड न्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। पैसेंजर का डिटेल डालेंगे। मैंने हाइड किया हुआ है, मैं नाम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको उसका एरिया डालना है और उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा नेशनलिटी का, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। आपको बर्थ सेलेक्ट करना है, लोअर अपर जो भी सीट आपको चाहिए। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पसंद का। दोस्तों नंबर हमें उसी का डालना है जो ट्रेन में ट्रैवल करेगा। नंबर डाल रहा हूँ, नंबर ए में डाल दिया मैंने। और नीचे की तरफ आएंगे, बाकी डिटेल भी हमें फिल करनी है इसके अंदर। देखते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस डालना है जहाँ आपको जाना है। पहले आपको पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस डालना है, अपने वहाँ का एड्रेस डालना है। फिर रेड मार्क में स्टार मार्क है ये जरूर डालना है, बाकी आप खाली भी छोड़ सकते हैं। मैंने एड्रेस डाल दिया। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है, तो उसको जरूर आप जैसे पे क्लिक कीजिए और आपको पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब आप एक बार फिर चेक कर लीजिए कि आपने जो डिटेल फिल किया है वो सही है, जर्नी डेट बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, तो कैप्चा बिल्कुल सही डालना है आपको। कैप्चा डालने के बाद हमें प्रोसीड टू पे क्लिक करना है, यस करना है। फिर दोस्तों आपके पास ये पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं जो आपको सुविधा हो।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। फिलहाल में मेरे पास क्रेडिट कार्ड है तो मैं क्रेडिट कार्ड से पे करूँगा। सिक्योरिटी के लिए मैंने ये अपना कार्ड नंबर ऐड किया हुआ है। कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, उसके बाद CVV पिन डालकर प्रोसीड करेंगे। तो आपके पास OTP आएगा, आपको OTP डालना है। OTP आ गया तो मैं OTP डाल रहा हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, OTP आपको करेक्ट डालना है। नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों प्रोसेस हो रहा है और टिकट कंफर्म हो चुका है। आप देखेंगे ये सीट नंबर दिखा रहा है आपको, टोटल फेयर दिखा रहा है। इसके बाद आपको अपनी टिकट की देखनी है तो माई ट्रांजेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि आपकी टिकटें कौन कौन सी है। ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे, कमेंट पर देखेंगे तो ये आपके यहाँ पे आपको सारी जरूरी डिटेल दिखा देगी, कौन सी तारीख को कहाँ कहाँ की ट्रेन आपने बुक की है। ये देख सकते हैं सबसे ऊपर जो अभी लेटेस्ट टिकट बुक किया है हमने, उस तरीके से सबसे ऊपर दिखा रहा है ये। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।